है लाइंस एंड एंगल्स, है ना, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, वी हैव डन एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 वी हैव ऑलरेडी डन। सो नाउ टुडेज टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफर ट्राइंगल ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हमें पढ़ना है आज। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले जो स्टेटमेंट होता है, इसको किसी को याद है क्या स्टेटमेंट को बताएगा? चलिए देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, द सम ऑफ इंटीरियर इंटीरियर एंगल ऑफ आ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या कहता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, और इसमें हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक लाइन लेना है। देखो इसे प्रूफ करने के लिए दो मेथड है, एक तो ये मेथड आपको जो हम बता रहे हैं, एक मेथड आप लोग क्लास 7 में भी ऑलरेडी शायद पढ़े होंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं, ये बहुत आसान मेथड है। प्रूफ करने का प्रोसेस क्या होता है ये भी देखो आप लोग, पहले क्या है गिवेन है, यहाँ पे गिवेन क्या गिवेन है, आर ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल्स, आर इंटीरियर एंगल्स, है ना। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कोई बताएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है हमें। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है चलिए कंस्ट्रक्शन देखिए। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस साइड, ड्रॉ अ लाइन नाम दे दो इसको एम एन, है ना, एम एन पैरेलल टू बी सी। हम लोग क्या किए, एक लाइन एम एन ड्रॉ किए जो कि पैरेलल है किससे, बी सी का, एंड पासेज थ्रू
पॉइंट ए, पॉइंट ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए क्या बोले हम, कोई एक ट्रायंगल हमें गिवन क्या था, एक ट्रायंगल एबीसी था जिसमें एंगल ए बी सी जो है ये आपका इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। इसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए यानी कि इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक लाइन एम एन ड्रॉ किए जो कि पैरेलल है किसका, बी सी का। तो पैरेलल प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि कोई दो लाइन जब आपस में पैरेलल है इट मीन्स, और इसमें बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस एंगल को क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल, और इस एंगल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे जेड जो बन रहा है इस एंगल को क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल है इस एंगल्स को क्या कहते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये सब बात आप लोगों को याद रखना होगा, इसमें कुछ यूज होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखिए प्रूफ, अब हम लोग प्रूफ करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लिए प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे, सिंस लाइन एम एन पैरेलल टू बी सी, लाइन एम एन जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी का है, सो क्या हो जाएगा, देखो तो यहां से आपका एंगल एम ए बी, एंगल एम ए बी ऐसा करें हम लोग कि इस एंगल को मान ले ए, इस एंगल को मान लिए वन, और इसको मान लो टू, और इसको मान लो थ्री, ठीक है। यहाँ पे लिख ही लेना जो गिवन है, इसमें फिर आगे लिख लेना एंगल मेंशन कर देना आप लोग, ठीक है ना, कि लेट कहीं लिख देना ऊपर में, लेट एंगल एम ए बी इक्वल्स टू एंगल वन, एम ए बी इक्वल्स टू वन, एंगल ए इक्वल्स टू थ्री, एंड एंगल एन ए सी, एन ए सी इक्वल्स टू एंगल टू, इसको मेंशन कर लोगे, ठीक है ना आप लोग साइड में। तो अब देखिए यहां से हम लोग कह सकते हैं कि देखो तो लाइन चूंकि एम एन जो है पैरेलल है बी सी का, इसका मतलब एंगल एम ए एन इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, ये एंगल वन है तो ये भी एंगल वन होगा कि नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बताइए। तो क्या हो जाएगा यहां से, एंगल एम ए बी, एंगल एम ए बी इज इक्वल्स टू हो गया एंगल बी का, ठीक है ना, एम ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, बी का, और एंगल बी मतलब क्या हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वन हो गया। अब इसी तरह से हम लोग कहेंगे एंगल एन ए सी, एंगल एन ए, एन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी, और एंगल एन ए सी कितना था, एंगल थ्री था, यानी कि एंगल सी इक्वल टू थ्री हो गया, और एंगल ए इक्वल टू एंगल टू है। अब देखो सिंस एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू कैसे, अब देखो ये बराबर कैसे हुआ था, यहाँ लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मेंशन कर लोगे, है ना, कैसे बराबर ये दोनों एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे भाई, कैसे बराबर हो गया, लीनियर पेयर एंगल, कहाँ से, लीनियर पेयर एंगल से, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल वन टू थ्री जो है ये तीनों एंगल मिलाकर के कैसा बना रहा है, 180 डिग्री नहीं बना रहा है, लीनियर पेयर है ना, इसलिए वन पेयर लीनियर पेयर से ये हो गया वन टू थ्री। अब देखो यहाँ से एंगल वन बराबर क्या था, एंगल वन बराबर क्या था बता, तो एंगल बी था, और एंगल टू बराबर एंगल ए था, और एंगल थ्री बराबर एंगल सी था,
अब यहाँ से पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर 180, यानी कि इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपका है एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ। क्या होता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। इंटीरियर एंगल्स के सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल का। कोई दिक्कत यहाँ तक प्रूफ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसको हम पीडीएफ सेव भी कर दे रहे हैं, आप लोग लिख भी लोगे और सेशन रिकॉर्ड भी कर दिए हैं। बाद में किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग इसे एक बार दो बार वीडियो को देख लोगे तो आप लोग को कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिए सभी कोई? यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। हेलो।